हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 10 पृथ्वी आकाश, जिसके लेखक हैं श्री राम परिहार जी। बच्चों, पाठ 10 पृथ्वी आकाश। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और जो हमारा बिछौना है, जो हमें धन धान्य देती है। आकाश जो हमारे सिर के ऊपर है, पिता के जैसे, जो हमें छाया देता है। इस पाठ में हम लोग अब तक यह पढ़ चुके हैं कि आकाश पृथ्वी के पास पत्र लिखता है कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी खूबसूरती यह अतुलनीय है, विशेष है। उसके नदियों, उसके पहाड़ों की सुंदरता का, उसके धरती पर पाए जाने वाले जीवों की विशेषता का आकाश वर्णन करता है। साथ में ही पृथ्वी से आकाश कुछ प्रश्न भी पूछता है कि आखिर जब तुम माँ हो तो माँ तो कभी कुमाता होती नहीं है, फिर तुम अपने जीवों का नुकसान कैसे करती हो? कभी बाढ़ आती, कभी भूकंप आता है, कैसे उनका विनाश करती हो? अब इस पाठ में श्री राम परिहार जी पृथ्वी ने आकाश को क्या जवाब दिया पत्र के द्वारा, उसी का वर्णन करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर पृथ्वी अपने धरती के जीवों के बारे में क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ कहती है और आकाश की किन विशेषताओं का वर्णन करती है। यहां तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, अब आज उसके आगे। हे आकाश, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र क्या है? वह तुम्हारे ही चित्त के लालित्य का विस्तार है। धरती कहती है आकाश से कि हे आकाश, तुमने मेरी सुंदरता, मेरी खूबसूरती से संबंधित, मेरे ऊपर पाए जाने वाले जीवों से संबंधित जो पत्र मुझे मिला था, पत्र भेजा था, वह पत्र मुझे मिला। आगे वह धरती कहती है कि उस पत्र में तुमने जो कुछ लिखा है वह तुम्हारे चित्त, चित्त मतलब मन के लालित्य, लालित्य मतलब सुंदरता का विस्तार है। विस्तार है मतलब वर्णन है। वह कहती है कि हे आकाश, तुमने मुझे जो पत्र भेजा था, उस पत्र में तुमने जो कुछ लिखा है वह तुम्हारे मन के भावों की सुंदरता है, तुम्हारे मन की सुंदरता है। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में सितारों की रोशनी की नीलिमा दमक रही है। आगे वह कहता है, कहती है धरती कि हे आकाश, जिस तरह से आकाश जो है वह नीला है, उसकी उसका जो प्रकाश है, उसके यहाँ पे जो सितारे पाए जाते हैं, उन सितारों का जो प्रकाश है वह नीला है, उसी तरह से जैसे वह नीला रंग समृद्धि को दर्शाता है, उसी तरह से तुम्हारा पत्र भी तुम्हारे हृदय की विशालता को, तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है उसको बताता है। नीलिमा मतलब नीला रंग, सितारों की रोशनी का रंग नीला, दमक रही अर्थात चमक रही, और उसी दमक में मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। आगे धरती कहती कि हे आकाश, तुम्हारे यहाँ पर जो सितारे चमकते हैं, जिनका नीला प्रकाश है, उस नीले प्रकाश के नीचे रहकर, उस नीले प्रकाश की चमक के नीचे रहकर मैं तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर आप लोग काल परिवर्तन पढ़ चुके हैं। क्रिया देखेंगे तो मिला, तो मिल क्रिया है, आ लगा है, तो आज वो हो गया। अगर किसी क्रिया के अंत में लगा तो वह सामान्य भूतकाल होता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो विस्तार है, सीधा है आया और कुछ नहीं आया, तो जब क्रिया नहीं रहे केवल है रहे तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल, अगर क्रिया नहीं रहे वहाँ पे
केवल था रहे तो पूर्ण भूतकाल। इसी तरह से दमक रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, यह क्रिया के बाद लगे हैं, दमकना क्रिया है, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, ढूंढना क्रिया है, रही हूँ लगा है, रहा है, रही है, रही हूँ, ये लगे हैं, तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल। आगे क्या कहती है धरती, हे अनंत, अन यहाँ उपसर्ग है, अंत के बिना, वह कहती है कि हे आकाश, तुम अनंत हो, अर्थात तुम्हारा कहीं कोई अंत नहीं है। नीलमा के विस्तार में अपनी पावनता को अक्षुण्य रखने वाले देव, नीलिमा अर्थात नीला रंग, और अक्षुण्य रखना, अखंडित रखना, अर्थात जिसका बंटवारा न हो सके। नीलिमा के विस्तार में अपनी पावनता यानी पवित्रता को रखने वाले देव, वह कहती है कि आकाश को कि हे आकाश, तुम तो अनंत हो, तुम्हारा कोई और छोर नहीं हो। इस नीला, तुम्हारा जो रंग नीला है उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, और तुम उसकी पवित्रता को, उसकी पावनता को अखंडित रखते हो, अर्थात कभी बंटने नहीं देते हो। तुम कितने उदार, कितने पारदर्शी हो। वह कहती है पृथ्वी के आकाश, तुम बहुत ही दयालु हो, साथ ही साथ पारदर्शी हो, मतलब कि जिसमें आर और पार दोनों दिखाई देते हैं, अर्थात कि जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, जो ईमानदार है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न आपका बना, अगर हम प्रवाह तालिका देखें तो यहाँ पर बनेगा आपका आकाश, तो एक में होगा अक्षुण्य रखने वाला देव, दूसरा उदार, तीसरा पारदर्शी। तुम मेरी विभूति को देखकर, विभूति अर्थात संपन्नता को देखकर कितने प्रसन्न हो, इसलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मृषण अर्थवत्ता भी तुम्हारे पास है। मृषण मतलब विशेषताओं से भरी हुई, अर्थवत्ता अर्थात अर्थ देने वाली। आगे वह कहती है कि हे आकाश, तुम मेरी सुंदरता को, मेरी संपन्नता को देखकर प्रसन्न हो, इसलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मृषण अर्थवत्ता भी तुम्हारे पास है। तुम दूसरों को देख करके प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, इसलिए तुम्हारे पास, तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम्हारी पवित्रता का और तुम्हारी विशेषताओं का, तुम्हारे गुणों का पता चलता है कि ये सारे गुण तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ब्रह्मांडी फैलाव। आगे वह कहती है कि हे आकाश, तुम आकाश में ऊपर, हमारे सिर के ऊपर दिखाई पड़ते हो, जैसे तुम्हारा विस्तार है, उसी तरह से विस्तार है तुम्हारा, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारे अधिकार में हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि और छोर नहीं है, वैसे ही तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है। तुम्हारे पत्र से यह पता चला कि तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारे मन की सतरंगी पर, सतरंगी अर्थात सात रंग, आप जानते हैं स्वरूप में सात रंग निकलते हैं, तुम्हारे मन की सतरंगी पर मेरी मृदुताई और निठुराई को तुमने बराबर जगह दी है। आगे धरती आकाश से कहती है कि मेरे ऊपर, धरती के ऊपर जो मृदुताई अर्थात कोमलता है, जो निठुराई अर्थात कठोरता है, तुमने अपने पत्र में इन दोनों के बारे में बताया हुआ है। कारण यह है कि तुम्हारा मन सतरंगी है, अर्थात तुम्हारे भीतर सातों रंग समाहित हैं। इस कारण जहाँ एक ओर तुमने मेरी मृदुताई अर्थात कोमलता, ममता मई भावना का वर्णन किया, वहीं कठोरता के द्वारा कठोरता भी तुमने बताई है। ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। तुम मेरे वैभव पर निहाल हो, वैभव अर्थात खुशहाली, निहाल होना अर्थात प्रसन्न होना, पर यहां तो एक का वैभव दूसरे की ईर्ष्या से फूलता है। अब यहां पर धरती बता रही कि पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव हैं, उनमें किस तरह से आपस में झगड़े हैं, विवाद हैं। तो यहाँ पर धरती अपने
लोगों के बारे में बता रही है कि मनुष्य जो हैं उनमें आपस में किस तरह से झगड़े हैं, विवाद हैं आपस में किस तरह से। वह कहती है कि यहाँ प्रश्न बन रहा है कि धरती के परिवार के सदस्यों के बीच यह नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या क्या होगा? पहला कि यहाँ तो एक का वैभव दूसरे की ईर्ष्या से फूलता है। ईर्ष्या मतलब जलन, अर्थात धरती पर जो लोग रहते हैं वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर एक खुशहाल है तो दूसरा उसको देखकर जलता है। एक की सफलता पर दूसरे के निवाले में कंकर आ जाता है, अर्थात एक व्यक्ति अगर सफलता पा रहा है तो दूसरे के का खाना हजम नहीं होता। निवाले में कंकर आना अर्थात उसको खाना हजम नहीं होता है। दूसरा बॉक्स हो गया। हे अनंत, मेरे ही जायो ने मुझे खोदा। जायो मतलब जिनको हमने जन्म दिया, जाया मतलब जन्म देना। अब मनुष्य ने धरती के साथ क्या कुछ किया है उसका वर्णन है। वह कहती है कि हे अनंत अर्थात हे आकाश, जिनको मैंने जन्म दिया उन्होंने ही मेरी धरती को, मेरी मेरे सीने को खोद डाला। तो पहला काम हो मानव ने यह किया, तो वह हुआ कि मनुष्यों ने धरती को खोद दिया, मुझे बांधा और क्या किया, उसे बांध दिया, मुझे पाटा, जगह जगह पर उन्होंने दीवारें बनाई, मुझे लांघा, मेरा दूध पिया। आगे वह कहती है कि उन्होंने मुझे लांघा, लांघा मतलब मुझे क्रॉस किया, सीमा का उल्लंघन किया। वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा ही दूध पिया हुआ, मेरा ही अन्न खाया है, वह सब किया सो किया, पर मेरे पेट के पानी को भी ये हम निकाल कर पी रहे हैं। तो यहाँ पर धरती आकाश से शिकायत कर रही है कि जिन लोगों को मैंने जन्म दिया है उन्होंने ही मुझे खोद दिया, बांध दिया, मुझे पाट दिया, जैसे नदियों को हम पाटते जा रहे हैं, मुझे लाग रहे हैं, अर्थात जो कहा गया है कि इसको नहीं लागना है, यहाँ तक ही रहना है, उसको लाग कर इंसान जंगलों तक गया। आ इतना ही नहीं, धरती का दूध भी लोग पी रहे हैं, उसका अन्न खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उतने से भी पेट नहीं भर रहा है। तो धरती के नीचे जो पानी है उस पानी को भी निकाल निकाल करके, ऊपर का छोड़िए, अंदर जो धरती के पानी छिपा है उसको भी निकाल निकाल कर पी जा रहे हैं। मेरे रोम रोम में उगे वृक्षों को काट रहे हैं। आगे धरती की यह शिकायत है कि रोम रोम में अर्थात जगह जगह पर जो उस धरती पर वृक्ष हैं उन वृक्षों को लोग काटने का काम कर रहे हैं। मेरी शिराओं धमनियों से नदियों में अपना नरक डाल रहे हैं। आगे धरती कहती है कि जिस तरह से एक इंसान के शरीर में हड्डियां होती हैं, नसें होती हैं, शिरा और धमनी आप जानते हैं नसों को कहते हैं, हृदय की नसें हैं, कि मेरे शरीर में जो जैसे मनुष्य के शरीर में नसें होती हैं और रक्त का संचार करती हैं, खून को यहाँ से वहाँ ले जाती हैं, व्यक्ति जीवित रहता है, उसी तरह से धरती कहती है कि मेरे ऊपर जो नदियाँ बहती हैं वे मेरी नसें हैं, लेकिन मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह उसमें अपना नरक अर्थात अपनी गंदगी को डाल रहा है। और क्या कर रहा है मानव, कौन कौन सी शिकायत है धरती को मानव से, वह भी देखते हैं। जो वह किससे कर रही, आकाश से। हवा में धुआं मिलाया जा रहा है, मेरे ऊपर का अंतरिक्ष भी जो तुम्हारा ही हिस्सा है और मेरा भी अर्धांग है, अर्धांग मतलब आधा अंग। आगे वह कहती है कि आकाश में हवा जो जो मेरे ऊपर हवा है उस हवा में भी धुआं मिलाकर उसको प्रदूषित कर रहे हैं, साथ में जो अंतरिक्ष है अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, वहाँ वह जो आधा भाग पृथ्वी का है, अर्धांग पृथ्वी का है और अर्धांग जो है वह आकाश का है, उसके साथ भी खिलवाड़ मानव कर रहा है। तो यहाँ पे भी फिर प्रश्न आपका बन रहा है, अर्धांग है उसे भी इंसेक्ट्स, मिसाइल, उपग्रह, विचित्र विचित्र गैसों से पार दिया है। यहाँ प्रश्न बना कि मानव ने अंतरिक्ष के अर्धांग को इससे पार दिया, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि उपग्रही का रूप है, जाते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हवा पानी इत्यादि के बारे में बताते हैं। मिसाइल आप जानते हैं, उपग्रह वही इंसेक्ट्स ही हैं।
एक तरह से उपग्रह भी वही बताते हैं और साथ में हमको नेटवर्क देते हैं, और साथ में ही प्रदूषण के माध्यम से गैस वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। तो ये चार बॉक्स बने कि मनुष्य ने अंतरिक्ष के अर्धांग को इससे पार दिया, पहला इनसेट, दूसरा मिसाइल, तीसरा उपग्रह, चौथा विचित्र विचित्र गैसों से। अब बताओ, जीवन की रचना के उपकरण ही साबूत नहीं रहने दिए, साबूत यानी साबित यानी सही ढंग से। आगे धरती अपनी पीड़ा अपने दुख को बताती है कि जिनसे मन जीवन की रचना मैं करती हूँ वह सब मनुष्य ने नष्ट कर दिए हैं, वह अब ठीक से नहीं है, बस अभी अब सही ढंग से नहीं है। यहाँ जीवन ही जीवन रस के खिलाफ खड़ा हो गया है। मेरे बेटे इतने गर्रा गए हैं, गर्रा जाना अर्थात बहुत अधिक दबंग हो जाना, दूसरों को परेशान करना। मेरे बेटे इतने गर्रा गए हैं कि असुरों की आंखों का लालपन उनकी आंखों में तैरने लगा है। आगे धरती कहती है कि मेरे ऊपर जो रहने वाला मानव है वही मानव के खिलाफ में है, अर्थात वह उसी को नष्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आए दिन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी या कुछ और कर दिया। आगे वह कहती है कि उनके अंदर इतना अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। पहले जो राक्षस होते थे, असुर होते थे, उनके आंखें लाल लाल होती थी और वे क्रोधी लोग किसी का भी नाश करते थे। आज मेरी धरती पर रहने वाला मानव भी वह किसी को भी नष्ट करने पर तुला हुआ है। आज ये पानी के खिलाफ खड़े हैं, वे हवा के खिलाफ खड़े हैं, वे आग के विरोध में, वे मुझे रौंद रहे हैं, वे तुम्हारे ऊपर गोलियां दागने की भंगिमा, भंगिमा मतलब मुद्रा यानी पोजीशन में आ गए। ओजोन में छेद हो गया है। कुल मिलाकर वे जीवन के हिमायती होकर भी जीवन के खिलाफ खड़े, हिमायती मतलब रक्षक। तो यहाँ पे फिर से वह कहती है कि इन इन चीज़ों के खिलाफ, पानी के खिलाफ, हवा के खिलाफ, आग के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ में मानव खड़ा है, अर्थात वह पानी को प्रदूषित कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है, आग को किसी भी तरह से वह नष्ट कर रहा है, साथ में ही वह आकाश पर भी चढ़ाई करने को तैयार है। इतनी गंदगी धरती पर कर दिया है कि जो ओजोन की परत है उसमें छेद हो गया है, और आप जानते हैं ओजोन परत में छेद होने का मतलब संपूर्ण धरती का विनाश। आगे वह कहती है कि जिनके ऊपर पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी थी वही अब जीवन के खिलाफ में खड़े हैं। हे शाश्वत नभ, शाश्वत मतलब जो हमेशा सत्य रहता है, नभ मतलब आकाश, कोई नहीं जानता यह सृष्टि कितने कितने युगों की सरिताओं को पार करते आ रही। सरिता मतलब नदी, निरंतरता ही इसकी विशेषता और नित नूतनता ही इसकी रमणीयता है। आगे वह कहती है कि हे आकाश, तुम तो हमेशा रहे हो, तुम्हारा कभी अंत नहीं हुआ है, तुम तो हम सत्य हो, और तुम को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो सृष्टि है, यह ब्रह्मांड है, युगों युगों से, बहुत हजार युगों से बनी हुई, पहले से बनी हुई है, अर्थात सरिताओं को पार करती आना मतलब हर हजार हजार युगों से बनी हुई है, बहुत पहले की है, पुरानी है, और इसमें हमेशा निरंतरता रहती है अर्थात गतिशीलता रहती है, नित नूतनता रहती है अर्थात हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है, यही इसकी शोभा है, यही इसकी सुंदरता है। आगे पृथ्वी लिखती है नील व्योम, नील व्योम आकाश को कहते हैं, नीले रंग के आकाश। तुम्हारी ऊंचाई की गहराई में सौर मंडल के कितने कितने खास रुदन छिपे हैं। आगे वह कहती है कि हे आकाश, तुम बहुत ऊंचे हो, लेकिन उस ऊंचाई के बीच में जो तुम्हारा सौर मंडल है, सौर मंडल यानी पूरा आकाश का जो मंडल है, समूह है, उसमें कई जगहों पे हास है अर्थात हंसी है, प्रसन्नता है, और कहीं पर रुदन है अर्थात कई जगहों पर वहाँ पर लोग दुखी हैं, अर्थात कहीं खुशी कहीं गम। तुम्हारे उल्का पिंडों में मानव के भय और औत्सुक के दोनों जगते हैं। आगे पृथ्वी कहती है कि हे आकाश, जो तुमसे
उल्का पिंड गिरते हैं, आग के टुकड़े गिरते हैं, उससे मानव को एक तरफ जहाँ भय, मानवों में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, वहीं उनमें औत्सुक्य अर्थात उत्सुकता भी जागृत होती है, अर्थात वे उत्सुकता भरी निगाहों से उन उल्का पिंडों को देखते हैं। मेरे ही पखेरुओं के लिए तुम मुक्ति का स्थल और अपनी उड़ान शक्ति की सीमा बने हुए हो। आगे धरती कहती है कि हे आकाश, तुम हो इसके कारण मेरे जो पखेरु हैं, अर्थात जो मेरे धरती पर रहने वाले पक्षी हैं, वे मुक्त होकर, आज़ाद होकर के वहाँ पर तुम्हारे यहाँ तक जाते हैं और अपनी उड़ान भरते हैं। अगर तुम नहीं होते तो उन्हें उड़ने के लिए इतना बड़ा स्थान कहीं नहीं मिलता। पंख थक जाते हैं लेकिन तुम्हारा विस्तार और गहराई कहीं कभी खत्म नहीं होते। आगे धरती कहती है कि हे आकाश, पक्षी जो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, लगातार उड़ते जाते हैं, वे भी ऊंचाई तक पहुंचने वाले पक्षी भी तुम्हारे विस्तार को, तुम्हारे फैलाव को और तुम कहां तक हो इसका पता नहीं लगा पाते हैं। वो थक जाते हैं, थक कर फिर वापस धरती पे आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ओर छोर को वो की जानकारी वो नहीं पाते हैं। अनगिनत अदृश्य प्रयोगशालाएं तुम्हारे आधारहीन आधार में चलती रहती हैं। अनगिनत अर्थात जिसे गिन नहीं सकते, अन यहाँ उपसर्ग है, अदृश्य उपसर्ग है, प्रयोगशालाएं, प्रयोगशाला क्या होती है, जहाँ प्रैक्टिकल किए जाते हैं, लेबोरेटरी। आधारहीन में हीन प्रत्यय है, आधार यानी जो सहारा देता है। आगे धरती कहती है कि हे आकाश, तुम आधारहीन हो, अर्थात जैसे पृथ्वी किसी चीज़ पे टिकी हुई है उस तरह से नहीं है, तुम्हारा कोई आधार नहीं है, किसी चीज़ पे तुम टिके नहीं हो, फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो तुम्हारे आधार पर ही चलती हैं। अगर तुम नहीं होते तो वे प्रयोगशालाएं नहीं चलती। इनसे हवा बनती है, पानी बनता है, आग बनती है। तुमने पत्र में लिखा है कि मुझ पर जीवन है, यह विशेष बात है, परंतु यह जीवन भी तुम्हारे द्वारा निर्मित हवा पानी के बिना संभव नहीं है, निर्मित यानी बना हुआ। आगे धरती कहती है कि तुम हे आकाश, तुमने जो पत्र मुझे लिखा उसमें बताया था कि धरती के ऊपर मेरे ऊपर जीवन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उन पैदा हुए जीवों के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है। वे तभी जीवित रह सकते हैं जब उन्हें हवा और पानी मिलेगा, और यह हवा और पानी उन्हें कौन देता है, आकाश देता है। वही बात यहाँ पे भी वह कहती है कि जो अदृश्य प्रयोगशाला न दिखाई देने वाली प्रयोगशाला वह आकाश में है, जहाँ पे हवा पानी का आग का निर्माण होता है, तो वो सभी मानव के लिए लाभकारी हैं, उसका निर्माण आकाश करता है। इसलिए यह गौरव भक्तों महानता भी मैं तुम्हें ही देती हूँ। वह इसलिए भी कि कोई एक तत्व न तो भौतिक वस्तु रच सकता है और न ही उसका रक्षण कर सकता है। आगे पृथ्वी जो है मानव जीवन या धरती पर जीवों की जो रचना है उसके लिए आकाश के योगदान की सराहना करती है। वह कहती है कि मुझ पर जीवन है, यह सत्य है, लेकिन उनको जीवित रखने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि आकाश में हवा पानी आग बनते हैं और अकेले मैं ही इन सभी जीवों की रचना नहीं कर सकती हूँ, न तो उनकी रक्षा कर सकती हूँ। हे लोहित गगन, लोहित अर्थात लाल रंग के, गगन अर्थात आकाश, तुम्हारे पास अनेक ज्योति पुंज हैं। ज्योति पुंज, पुंज मतलब स्रोत, केंद्र, समूह, ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश का समूह। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का झरना है, सूर्य है इसलिए उजियारा है, उजियारा मतलब प्रकाश। इस उजियारे से ही जीवन के बाहर भीतर के ज्ञान अज्ञान का भी मान अनुमान होता है। यहाँ बाहर भीतर ज्ञान अज्ञान मान अनुमान ये सभी विरुद्धार्थी शब्द हैं। मुझ पर रहने वाले सारे प्राणी इसलिए उसकी अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना अभी जो है यहाँ उपसर्ग है, अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना, निवेदन।
तुम्हारे पास एक चंदा है, चंद्रमा की चांदनी ही मेरे शाल्य में दूध भरती, शाल्य मतलब छाती में, कपास में उज्ज्वलता भरती, उज्ज्वलता मतलब जो है वह है सफेदी, ज्वार के दानों में मिठास भरती है, कमिलनी में सुगंध भरती, कमिलनी यानी कमल की पत्नी, सुगंध अर्थात खुशबू। आगे वह कहती है धरती कि हे आकाश, कि तुम्हारे पास प्रकाश के अनेक केंद्र हैं, उनमें सूर्य प्रमुख है और वह प्रकाश का झरना है, उसी से धरती पर प्रकाश होता है और उसी प्रकाश से मानव जीवन के अंदर बाहर ज्ञान अज्ञान और मान अनुमान पैदा होते हैं। सभी प्राणी जो धरती पर जन्म लेते हैं वे इसीलिए सूर्य की चंद्रमा की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कारण कि तुम्हारा जो चंदा है, चंद्रमा है, वह उसके यहाँ पे आपका संजाल बन रहा है कि साल में दूध भरने का काम करती है, साथ में कपास में उज्ज्वलता भरती है, ज्वार के दानों में उसी से मिठास होती है, कमिलनी में सुगंध पैदा होती है। अगर चंद्रमा की चांदनी नहीं होती तो साल्य में दूध नहीं पैदा होता, कपास में सफ़ेदी नहीं आती, ज्वार में मिठास नहीं पैदा होता और कमिलनी में कभी खुशबू नहीं पैदा होती। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और कि प्रकाश के दो केंद्र, एक हुआ चंद्रमा, दूसरा हुआ सूर्य। इस तरह से यहाँ पर लेखक ने जो है आकाश की विशेषताओं का धरती के माध्यम से गुणगान किया हुआ है। आगे धरती आकाश से कहती, हे अंबर, अंबर मतलब आकाश, तुम मुझे भी अपनी नीलाभ के परिधान से वैशिष्ट किए हुए हो। वैशिष्ट करना अर्थात ढके रहना, नीलाभा अर्थात नीली आभा, नीला रंग, वो किसे कहते हैं, आकाश को। परिधान, परिधान मतलब कपड़ा। आगे धरती कहती कि हे आकाश, तुम्हारा रंग नीला है, वह नीला रंग, वह नीली चमक ऐसी लगती है जैसे वह तुम्हारा नीले रंग का कपड़ा है, तुम उसी अपने नीला नीले परिधान से मुझे ढके हुए हो। अतः यह नहीं हो सकता कि मेरा सौंदर्य केवल मेरा अंजन या निसर्गगत उत्पाद है। आगे धरती कहती है कि मेरी भी जो भी विशेषताएं तुमको दिख रही हैं वह केवल मेरी नहीं, मेरी सुंदरता केवल मेरी नहीं है। अंजन, अंजन मतलब खूबसूरती, निसर्गत अर्थात निसर्ग मतलब प्रकृति, गत यहाँ प्रत्यय लगा है, प्रकृति का दिया हुआ, उत्पाद मतलब पैदा किया गया। धरती कहती है आकाश, जो मेरा सौंदर्य तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, यह सारी सुंदरता या सारी खूबसूरती प्रकृति ने मुझे दी हुई है। तुम्हारे सौर मंडल में ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण और अस्तित्व पर टिके हैं, अस्तित्व अर्थात जीवन पर। ग्रह नक्षत्र आप जानते ही हैं कि नवग्रह होते हैं और नक्षत्र होते हैं। सौर मंडल में कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं और ये नक्षत्र होते हैं। आगे धरती कहती है कि हे आकाश, केवल मैं ही सुंदर नहीं हूँ, तुम्हारे यहाँ ग्रह और नक्षत्र हैं सौर मंडल में, वे एक दूसरे के प्रति आकर्षण अर्थात खिंचाव के अस्तित्व पर टिके हुए हैं, उनकी स्थिति ही सह अस्तित्व पर है। सह अस्तित्व मतलब एक दूसरे के जीवन पे, सह मतलब एक दूसरे के, अस्तित्व मतलब जीवन। जो ग्रह नक्षत्र हैं, धरती कहती है, वो सभी ग्रह नक्षत्र, तारे हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, ये सभी जितने भी हैं एक दूसरे के जीवन पर निर्भर हैं। आज के दिन यह कितनी सुंदर बात है। आगे धरती कहती है कि मेरे धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में लड़ और झगड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज के समय में कोई किसी की सहायता नहीं करता, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे पुत्रों ने अपने अपने देश बना रखे हैं और उनमें से कुछ तो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं।
मरने पर उतारू होना, यानी एक दूसरे की जान लेने। आज हम देखते हैं कि हर देश जो है दूसरे देश के खिलाफ है। मानव ने क्या किया, संपूर्ण पृथ्वी को अपने अपने देश, अपने अपने राज्य, अपनी अपनी भाषा के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार बांट लिया है। धरती को वही उसी बात का दुख है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके धरती के जो मानव हैं, उन्होंने अपने अलग अलग देश बनाए हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को मारने पर तैयार रहते हैं। ज्ञान पाकर व्यक्ति विनम्र हुआ था, यह सही है कि विद्या विनयन शोभते, अर्थात ज्ञान पाकर व्यक्ति में नम्रता आती। विनम्र होना यानी नम्र होना। व्यक्ति विनम्र हुआ था, वह क्षितिजों के पार भी पहुंचा था। क्षितिज मतलब जो किनारे पर, जहां पर धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। मानव जी को जब ज्ञान मिला तो वह अपने ज्ञान के विस्तार के लिए चारों तरफ खोज करने लगा, जहां आंगन के पार कोई द्वार खुलता हो। विज्ञान ने उनकी उपलब्धियों की संख्या में और इजाफा किया। इजाफा करना अर्थात वृद्धि करना। ज्ञान में जब वृद्धि हुई, धीरे धीरे विज्ञान आया। विज्ञान का साथ पाकर मनुष्य ने एक के बाद एक महान से महानतम उपलब्धियां प्राप्त की। हे नीरद मालाओं के धारक, नीरद माला अर्थात बादल, धारक मतलब धारण करने वाले, और आप जानते हैं बादल कहाँ पे होते हैं, आकाश में होते हैं, आसमान में होते हैं। आगे धरती कहती है कि हे आकाश, तुम बादल को धारण करते हो, वर्षा से तुम्हारी शोभा है। देखिए पहले उसने क्या किया, धरती ने पहले जो प्रश्न आकाश ने पूछे थे कि तुम भूकंप क्यों लाती हो, बाढ़ क्यों लाती हो, अपने ही बच्चों के प्राण क्यों लेती हो, माता कुमाता तो नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे पृथ्वी ने उसके सारे आरोपों का उत्तर दिया है कि आज मेरा जो बेटा है, मानव है, वह अहंकारी हो गया है और एक दूसरे को मारने पीटने पे लगा है, एक दूसरे से जलन करता है, ईर्ष्या करता है। बाद में वह आकाश की शोभा, आकाश की सुंदरता का, आकाश की खूबसूरती का भी वर्णन करती है। आगे धरती कहती है कि बादल तुम्हारे यहाँ ही बनते हैं और तुम वर्षा करते हो, उसी से तुम्हारी शोभा और बढ़ जाती है। वर्षा तुम्हारी हृदय धारा है, अर्थात हृदय से जो पानी निकलता है वह पानी वर्षा के रूप में धरती के लोगों को मिलता है। तुम्हारी अनुभूति है, अनुभूति यानी अनुभव। इस अनुभूति की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना। अभिव्यक्ति में जब तुम मेघों की कविता लिखते हो और वह कविता नौ शब्द बूंद बूंद मुझ पर धर झरती है, तो परम प्रकृति का महाकाव्य रचता है। आगे धरती कहती है कि जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तभी एक महान काव्य की रचना होती, महान ग्रंथ की रचना होती। महाकाव्य क्या होता है, जिसमें किसी की महानता का वर्णन किया गया रहता है बहुत विस्तार से, जैसे श्री रामचरित मानस। जो जल तुम श्यामल घनों से, श्यामल यानी काले, घन यानी बादल से, घनों से बरसते हो, वही मेरा जीवन रस है। आगे धरती कहती है कि मेरी अपनी कोई खूबसूरती नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर जो काले बादल हैं उनसे जो पानी बरसता है, उसी से मेरे यहाँ पर लोगों को जीवन मिलता है। वही फूलों में गंध, वस्तु में रूप, फलों में रस, मेरी देह पर जाकर स्पर्श और झरनों में शब्द बनकर रूपायित होता है। स्पर्श यानी छूना, रूपायित होना अर्थात बदल जाना, उसका रूप पाना। आगे वह बताती है कि आकाश से जो काले बादलों से पानी गिरता है, वही धरती पर रहने वाले लोगों की प्यास बुझाता है, उसी से फूलों में खुशबू आती है, वस्तुओं में को रूप मिलता है, फलों में रस होता है, मिठास पैदा होती है, धरती को जब वह स्पर्श करता है तो झरने के रूप में बन जाता है। इस तरह से धरती कहती है कि तुम्हारे भीतर कूट कूट करके सौंदर्य भरा है। यह जल मेरे गर्भ में जाकर, गर्भ मतलब गहराई में, नीचे में जाकर मेरे जीवन में संतुलन पैदा करता है, अर्थात धरती को संतुलित करता है, उसको डगमगाने से बचाता है, यानी केवल सूखा क्षेत्र नहीं रहता, पानी भी आ जाता है। भूगर्भ में, भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब अंदर भीतर,
जल और थल पर स्थित जल की मात्राएं भी एक तरह का संतुलन कायम करती हैं। अब यहाँ पर वो बता रही कि धरती के ऊपर किस तरह से संतुलन बनता है, जो भूकंप की बात किया था आकाश ने। वह कहता है कहती है कि जो पानी अंदर जाता है ज़मीन पर ऊपर रहता है, वो दोनों पानी मिल करके धरती पर संतुलन बनाते हैं। जैसे समुद्र है, नदियाँ हैं, ये सभी हैं एक तरफ, और धरती के नीचे का जो पानी है वह, ये दोनों मिल करके धरती को संतुलित करते हैं, डगमगाने से बचाते हैं। मेरे बेटों ने, बेटों यानी मानव ने, भूगर्भ जल का इतना दोहन किया। दोहन करना मतलब उसको गलत तरीके से निकाल लेना। इतना दोहन किया कि मेरे भीतर का संतुलन गड़बड़ा रहा है। आगे धरती कहती है कि मेरे जो बेटे हैं, मानव है, वह धरती के ऊपर का पानी तो पूरा ख़त्म कर चुका, गंदा कर चुका है। अब धरती के भीतर जो पानी मैंने रखे हैं उसको भी वह निकाल करके मेरा जो संतुलन है, जिससे मैं स्थिर रहती हूँ, भूकंप मुझ में नहीं आते, उसको भी वह बिगाड़ रहा है। वही गड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट में आहट प्रत्यय लगा है। कभी भूकंप और कभी ज्वालामुखी बनकर फूटता है। तो ज्वालामुखी और भूकंप आने का कारण पृथ्वी ने बताया। उसने कहा कि इसका कारण मानव ही है, क्योंकि वह जो धरती के नीचे पानी है उसको निकाल रहा है, उसका दोहन कर रहा है, इससे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। हे उदार चेता आकाश, उदार अर्थात दयालु, चेता मतलब चित्त वाले, मन वाले, दया की भावना वाले अर्थात दया से भरे मन वाले आकाश, कौन माँ अपनी संतान का अनिष्ट चाहती है। अनिष्ट यानी बुरा। आगे धरती कहती, मैं धरती के सभी जीवों की माँ हूँ, हे आकाश, मैं अपने संतानों का, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती। पर जब मेरी ही इज्जत पर बेटे वैभव लुटाएंगे, मेरा पानी बोतलों में बंद करके बेचेंगे, मेरी हवा को सांस लेने लायक रहने भी न देंगे, तब इन्हें अनुशासित करने के लिए अप्रिय निर्णय लेने ही पड़ते हैं। यहाँ पर वही बात है, जैसे बच्चा जो है अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, गलत व्यवहार करता है, तो माँ जो दया की मूर्ति होती, ममता की मूर्ति होती है, वही माँ अपने बेटे को सजा देने से पीछे नहीं रहती है, क्योंकि वह अनुशासन का पाठ उसे पढ़ाना चाहती है। इस तरह से माँ को जब कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं तो वह बच्चे को सजा दे करके उसे सुधारने का प्रयास करती है। वैसे ही धरती भी है, वह कहती है कि आज मेरे बेटे ही मेरी इज्जत के ऊपर अपना, अपने अपने वैभव का महल बना रहे हैं, अर्थात अपना अपना विकास कर रहे हैं। मेरे पानी को वो बोतल में बंद कर रहे हैं, जो कि मैंने अत्यधिक दिया हुआ है, उसको भी वो पानी को बोतलों में बंद करके केवल बेच रहे हैं, हवा को गंदा कर रहे हैं, पीने लायक पानी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए इनको अनुशासित करने के लिए, इनको सुधारने के लिए धरती कड़े निर्णय लेती है, अप्रिय यानी बुरे। हे उदार चेता, ये मेरे मन के भाव हैं। वह कहती है कि ये धरती की, हे दयालु आकाश, यह जो कुछ मैं कह रही हूँ ये मेरे मन के विचार हैं, जिनसे तुम अपने उत्तर शायद पा सको। वैसे परम प्रकृति के रहस्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कब कोई दे सका है, तुम्हारी पृथ्वी। आगे पृथ्वी कहती है कि मैंने जो कुछ कहा है वह मेरे मन के विचार हैं, लेकिन प्रकृति में जो रहस्य छिपे हैं, जो भेद छिपा है, उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ा